गुड मॉर्निंग डियर क्लास वन स्टूडेंट, हम लोग अभी इंग्लिश के क्लास में हैं और हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपको टेस्ट पेपर थर्ड दिया था, जो लेसन फिफ्थ का था, वो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करके दिखाया था। लेकिन आप कुछ का कहीं मिस्टेक था, कुछ नहीं लिख पाए थे, तो उसका मैं उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ आज। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन था, विच क्लास डू राहुल एंड लिली स्टडी इन। विच क्लास डू राहुल एंड लिली स्टडी इन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में, पहला ए था, विच क्लास डू राहुल एंड लिली स्टडी इन। दूसरा, हाउ मैनी डेज डू दे गो टू स्कूल। सी था, व्हाट डू दे लर्न एट स्कूल। डी था, वेयर डू राहुल एंड लिली हैव डिनर। क्वेश्चन नंबर टू, राइट सिक्स लाइन ऑफ ऑन योर सेल्फ। राइट सिक्स लाइन्स ऑन योर सेल्फ, ये हम लोगों को बनाना था। तो एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, वो देखिए बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर वन है विच क्लास डू राहुल एंड लिली स्टडी इन। आंसर लिखेंगे, राहुल एंड लिली स्टडी इन क्लास वन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ मैनी डेज डू दे गो टू स्कूल। आंसर लिखिएगा, दे गो टू स्कूल 5 days। क्वेश्चन सी है, वॉट डू दे लर्न एट स्कूल। आंसर लिखिएगा, दे लर्न रीडिंग राइटिंग सिंगिंग एंड डांस इन एंड ऑल्सो यूज ऑफ कंप्यूटर एट स्कूल। दे लर्न रीडिंग राइटिंग सिंगिंग एंड डांस। ये रीडिंग राइटिंग सिंगिंग और डांस तो वो सीखते ही हैं, एंड ऑल्सो यूज ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का यूज भी सीखते हैं। कहाँ? एट स्कूल, स्कूल में। डी है, व्हेन डू राहुल एंड लिली हैव डिनर। राहुल और लिली कब डिनर करते हैं? तो राहुल एंड लिली डू डिनर एट 8 o'clock। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू था, राइट सिक्स लाइन्स ऑन योर सेल्फ। राइट सिक्स लाइन्स ऑन योर सेल्फ, लाइन का एस छुटा हुआ है, वो दे दीजिएगा। तुम ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर, आप जब लिखिएगा तो आप क्या लिखेगा, माई सेल्फ। तो ये माई सेल्फ पर लिखे, आई एम ए बॉय, माई नेम इज, एक मैंने एग्जाम्पल लिया, एक नाम ले लिया हसन इरफान का, हमने उस पर ये सेंटेंस बना दिया है, ये माई सेल्फ लिखा है। हसन, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ये नाम नहीं रहेगा, आप अपना नाम चेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है वो लिख दीजिएगा। आई एम 6 years old, यहाँ 6 हमने लिखा है, आप जो आपका जौन सा एज है उसके अकॉर्डिंगली आप लिख दीजिएगा। आई एम जो भी लिखना है यहाँ लिख दीजिएगा, ईयर्स ओल्ड। उसके बाद आई लिव एट, यहाँ हमने लिखा मुकरमपुर, यहाँ पे आपका जौन सा गाँव है वो नाम लिख दीजिएगा। आई लिव एट, वो गाँव का नाम जहाँ आप रहते हैं। माई फादर्स नेम इज एम डी इरफान, ये हसन इरफान के फादर का नाम मैंने लिखा है, आप अपने फादर का नाम लिखेगा। माई फादर्स नेम इज, यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखेगा। ही वर्क्स इन ए प्राइवेट फर्म, ये प्राइवेट और फर्म दोनों में स्पेस है, यहाँ स्पेस नहीं रहने की वजह से थोड़ा मिला हुआ है, इसको देख लीजिएगा, स्पेस दोनों के बीच में होना चाहिए। PRIVATE प्राइवेट लिखिएगा और स्पेस देने के बाद FIRM फर्म,
ही वर्क्स इन ए प्राइवेट फर्म। ठीक है, तो ये आपका कल के टेस्ट का आंसर है, आप इसे मिला लीजिए, जहां आपकी कमी है उसको कंप्लीट कर लें और उसके बाद सेंड करेंगे। तो हम क्लास यही स्टॉप करते हैं, थैंक यू।